एनटीपीसी में सबसे मुश्किल है जोन चुनना, क्योंकि कट ऑफ का जो वेरिएशन होता है 10-10 नंबर, 12-12 नंबर। यहाँ पे देखो यूआर का कट ऑफ 60 गया है तो यहाँ 72 चला गया है, 12 नंबर का अंतर है। यहाँ पे तो बच्चे पॉइंट मार्क्स से बाहर हो जाते हैं और यहाँ पे 12 नंबर बहुत मायने रखता है। तो सेफ आरआरबी चुनना, सेफ जोन हम कैसे चुनेंगे इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, रेलवे में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के पिनेकल पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं, रेलवे मैथ के लिए 1200 क्वेश्चन टीसीएस एमसीक्यू। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया गया है, हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा बुक है आपके पास रेलवे का सामान्य अध्ययन, जो कि एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1400 क्वेश्चन का कलेक्शन है टीसीएस द्वारा जो एग्जाम कराया गया था। एमसीक्यू के रूप में ऑल लेटेस्ट क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया, पिनेकल पब्लिकेशन का ये बुक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा से यहाँ पे जो पूछा है रेलवे के एग्जाम में वो सब आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ डाटा लेकर के आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सबको लगता है कि कलकत्ता, मुंबई, भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन नहीं, सबको पता है कि ज्यादा वैकेंसी है तो ज्यादा फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ भर रहे हैं। यहाँ पे कुछ यूट्यूबर अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, सिकंदराबाद बता रहे हैं कि ये सेफ है, यहाँ पे फॉर्म भर दो, पिछला बार कम कटअप गया था, लेकिन ये भी अब डेंजर हो गया, ये बात याद रखना। मैक्सिमम यूट्यूबर यही 3-4 जोन को बता रहे हैं और ये अभी के समय में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप होने वाला एक अड्डा बन गया। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या 2019 में था, इस बार क्या है, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप कहाँ पे हो रहा है, एक सर्वे के आधार पे जो मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ डाटा लेकर आया हूँ, कोलकाता यहाँ पे आरआरबी का मैं नाम लिखा हूँ, यहाँ पे 2024 की जो वैकेंसी है उसको लिखा हूँ, 2019 की वैकेंसी भी लिखा हूँ और उसका रैंक भी लिखा हूँ, फिर 2019 के कट ऑफ का रैंक लिख दिया हूँ और यहाँ पे 2019 में जो CBT1 का जो कट ऑफ गया था उसको लिखा हूँ। तो ध्यान से समझना, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे और लास्ट में बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपका सेफ रहेगा, ठीक है। कोलकाता में देखा जाए तो 1382 2024 में वैकेंसी थी, 2019 में 1791 वैकेंसी थी, जो कि चौथी हाईएस्ट वैकेंसी थी, ठीक है। ये जो रैंक लिखा हूँ, एक नंबर मतलब सबसे ज़्यादा, दो नंबर मतलब उससे कम, ऐसे करके चौथी हाईएस्ट वैकेंसी थी। कट ऑफ का जो रैंक था 7 था, यूआर का कट ऑफ 72 चला गया था CBT1 का, क्लियर है। मुंबई में 827 वैकेंसी है 2024 में, 2594 उस समय थी, दूसरी हाईएस्ट वैकेंसी थी और 12वीं इसका रैंक था कट ऑफ का, 67 कट ऑफ गया था, ठीक है। भुवनेश्वर देखा जाए तो 758 है, 342 उस समय थी, 19वीं रैंक वैकेंसी की और कट ऑफ का यहाँ पे 8वीं थी और 72 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और ये जो मैं रैंक लिखा हूँ कट ऑफ के आधार पर, वैकेंसी के आधार पर एक बार जरूर देखना है आपको। फिर यहाँ पे भुवनेश्वर देख लिया, बिलासपुर हो गया, यहाँ पे 649 इस बार है, 1024 उस समय थी, 15वीं वैकेंसी का रैंक था और 15वीं देखा जाए तो दोस्त 15वीं कट ऑफ, थोड़ा सा सेफ है इस बार बिलासपुर, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चे भर भी रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद से 591 देखा जाए तो यहाँ पे 2019 में थी, अहमदाबाद में 516 थी और 17वीं उसका रैंक था वैकेंसी का, 16वीं देखिए 16वीं कट ऑफ का रैंक था, ठीक है। 16वीं मतलब लोवेस्ट की तरफ हो गया ना, मतलब हाईएस्ट एक नंबर, फिर ऐसे करके 16वीं उसका रैंक था। तो देखिए तो थोड़ा सा ये भी सेफ यहाँ पे जो बता रहे हैं, थोड़ा सा सर्वे 2019 के आधार पे बता रहे हैं, तो ठीक है, बिलासपुर, अहमदाबाद, ठीक है। और यहाँ पे हालांकि बच्चे अभी ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे, हर एक यूट्यूबर तो यही बता रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा भरा रहा है। तो एक बार एक डाटा को इस देखिएगा, एक बार इस डाटा को पूरा देखिएगा। अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे गुवाहाटी हो गया, 523 यहाँ पे 2019 में थी, 21वीं रैंक थी, सबसे लोवेस्ट यहाँ पे कट ऑफ गया था, देखिए, ठीक है, यहाँ पे 21वीं रैंक थी कट ऑफ की CBT1 का और 21वीं वैकेंसी भी सबसे कम थी देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इस बार देखा जाए तो इक्वली लगभग वैकेंसी था, 516 इस बार आया, 523 उस बार, ठीक है। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ तक मेरा जानकारी मिला है, बेंगलुरु में 496 पोस्ट है, 1761 उस समय था, 6वीं रैंक थी वैकेंसी की और 10वीं रैंक था कट ऑफ का, 71 कट ऑफ गया था CBT1 का, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये बात याद रखना दोस्त, ठीक है। उसके बाद से सिकंदराबाद देखिए आगे, यहाँ पे सब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि आपको अगर सेफ जोन चुनना है मेरे दोस्त, तो एक बार कुछ भी कीजिए, यहाँ पे जम्मू जरूर जाइए, ठीक है, जम्मू जाइए, क्योंकि जो गुवाहाटी देखा जा रहा है, गुवाहाटी में ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। फिर से जाना है तो आप चेन्नई जाइए, चेन्नई जा सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सेफ है। प्रयागराज देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट
वैकेंसी और सबसे हाईएस्ट कटअप गया था, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ कंडीशन रहने वाला है, सबसे ज़्यादा कटअप जाता है क्योंकि यूपी बिहार वाले सबसे ज़्यादा यहीं पे बैठते हैं, ठीक है। रांची में देखिए यहाँ पे इस तरह से जो रैंक है एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो मैं बता दिया आपको। अगर सेफ RRB चुनना है तो मैं फर्स्ट बताया कि थोड़ा जम्मू के जाइए, जम्मू से आपको जाना है तो आप चेन्नई जा सकते हैं, उसके बाद से आप दूसरे नंबर में आप चेन्नई जा सकते हैं, ठीक है। सिकंदराबाद जा सकते हैं, आपको पता है कि मैं RRB बेंगलुरु में सिलेक्टेड हूं तो मैं इधर के कंडीशन को जानता हूं कि बच्चों का क्या स्थिति है, कौन और कहां पे ज़्यादा ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बेंगलुरु आप जा सकते हैं, लेकिन गुवाहाटी और अहमदाबाद फॉर्म ज़्यादा फिलअप हो रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये चीज़ें मायने रखता है, ठीक है। हालांकि इस बार जो बच्चे अच्छी तैयारी करने वाले हैं वो भी यहाँ पे जा रहे हैं अहमदाबाद और गुवाहाटी, क्योंकि सबसे कम कटअप, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी कटअप इस बार हाईएस्ट जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर चूज कर रहे हैं, ठीक है। चंडीगढ़ देखिए तो 74,410 है, यहाँ पर हमेशा हाईएस्ट रहता है, तो यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिर बाद में आपको भोपाल देखा जाए तो भोपाल में भी अच्छी खासी रहती है कटअप, और पिछला जो देखा जाए तो रिंग कटअप का 9 था और 72 कटअप गया था CBT 1 का, ठीक है। उसके बाद से इधर तो वैकेंसी बिल्कुल ख़राब है, इधर तो बिल्कुल ध्यान मत देना, ये पटना वाला और गोरखपुर वाला, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, ये तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन 3 से 4 ऐसे RRB है जहाँ पे मैं अपने तरफ से बोलूँगा कि थोड़ा सा सेफ है, थोड़ा आप एक बार देख लेना, जैसे बेंगलुरु हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, ये दूर दूर है और हमेशा की तरह यहाँ पे थोड़ा वैकेंसी कम है, लेकिन कटअप भी कम जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और चौथा यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लेकिन गुवाहाटी और अहमदाबाद बच्चे ज़्यादा भर रहे हैं, ये मैं पता किया, थोड़ा सा जानकारी मिला है, ठीक है। सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करना है और बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म भरना है, क्योंकि बच्चे थोड़े थोड़े मार्क्स से बाहर हो जाते हैं, और यहाँ पे कटअप का वेरिएशन देखो तो बहुत ज़्यादा कटअप का वेरिएशन है, कहीं पे 62 चला गया है तो यहाँ पे 74 चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप अपना सेफ RRB चुन सकते हैं इसको देख करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।